स्टूडेंट दिस इज पंकज धीमान फैकल्टी मेम्बर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर वी आर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज गवर्नर हिज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड वट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नर एंड सकारी कमेटी जो इससे रिलेटेड है उसको भी आगे हम देखेंगे तो uh, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजिडेंट आपने देखा तो प्रेजिडेंट आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट होता है हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव Uh, होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी जो हमारा प्रेजिडेंट ही होता है तो ऑल पावर्स बिलोंग्स टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जैसे कि आपने प्रेजिडेंट देखा सेम पावर जो है आ, हर एक स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनको भी दी होती है तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट काम करता है और हर स्टेट में जो है एक गवर्नर काम करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही गवर्नर वहाँ पे आता है इसका कोई इलेक्शन ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से इसका इलेक्शन नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी को भी जो है गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर सकती है स्टेट पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर uh, भी कोई जो है यहाँ पे गवर्नर uh, हो सकता है तो गवर्नर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो पावर्स जो हैं सेंटर में प्रेसिडेंट को दी गई हैं स्टेट में वो सारी पावर्स जो हैं एक गवर्नर को दी गई हैं मीन्स कि उसके, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है लेजिस्लेटिव पावर है पार्टनिंग पावर भी उसके पास वहाँ पे है तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लाइक द सेंटर द नेचर ऑफ द गवर्नेंस इन द स्टेट इज सेंसिटिव तो सेंटर की तरह जो है स्टेट की जो गवर्नेंस होती है वो भी सेंसिटिव होती है द हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड विच हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइज एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर तो एक्जीक्यूटिव का हेड भी जो है वो यहाँ पे गवर्नर होता है और वो भी प्रेसिडेंट की तरह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है द मोस्ट ऑफ़ द गवर्नर हैज़ बिन प्रोवाइड आर्टिकल 153 फिफ्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए हैं वो आर्टिकल वन में किए गए हैं आपको पता है अगर प्रेजिडेंट की बात करें तो प्रेजिडेंट के फिफ्टी फोर जो आर्टिकल इसके आगे जो प्रोविजन है वो सारे प्रेजिडेंट से रिलेटेड हैं और गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गवर्नर की पोस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है आ, किसी भी स्टेट के लिए वो 153 फिफ्टी आर्टिकल में दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू विच ईच स्टेट विल हैव अ गवर्नर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा देर कैन बी अ ओनली वन गवर्नर फॉर द टू और मोर स्टेट एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है द एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट शेल वेस्ट इन द गवर्नर और सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं जैसे प्रेजिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आपने देखी थी कि हर एक अपॉइंटमेंट जो है स्टेट में सीने लेवल की जो भी अपॉइंटमेंट होती हैं वो सारी जो है इसमें चाहे यू पी एस सी के हेड की आ, जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो या फिर वहाँ हाई कोर्ट का जो आ, चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट से लेटर रोल हो या चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से हो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नर के थ्रू ही की जाती हैं ही एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर इधर हिमसेल्फर थ्रू हिज सबॉर्डिनेट ऑफिस या तो वो अपनी इन पावर का यूज़ ख़ुद करता है या उसके जो अधिनिस्ट ऑफिसर्स होते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं अंडर द टर्म ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफिसर मिनिस्टर ऑल्सो करते हैं उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर में कौन आ जाते है? सारे मिनिस्टर हर एक स्टेट में एक, आ, एक सेंटर लाइक सेंटर वहाँ पे भी एक कैबिनेट होती है काउंसिल मिनिस्टर होते हैं जो जो जिन्होंने अपनी सरकार बनाई होती है वो सारे जो है गवर्नर के सब इंड ऑफिसर जो है माने जाएंगे अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही इज ईद अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट वोटिंग नॉर स्पेशली बाय द इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर द प्रेजिडेंट तो देखिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट जो प्रेजिडेंट करता है इसकी अपॉइंटमेंट ना तो डायरेक्ट वोटिंग से होती है ना ही इसके लिए कोई इलेक्ट्रल कॉलेज बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपने देखा वहाँ पे इलेक्ट्रल कॉलेज होता है जितने भी एम और एम जो होते हैं हर एक एम uh, एल जो जितने भी स्टेट्स असेंबली इंडिया में हैं और दूसरा जितने भी एम राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी एम हैं वो मिलकर एक इलेक्ट्रल कॉलेज बनाते हैं वो इलेक्शन करते हैं प्रेजिडेंट के तरह लेकिन गवर्नर का इलेक्शन से रिलेटेड ऐसा कोई भी रूल वहाँ पे नहीं है हु इनडायरेक्टली इलेक्ट द प्रेजिडेंट इट इज़ अ नॉमिनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ही ये उस स्टेट में काम करता है द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इज़ नॉट अ पोस्ट अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पोस्ट को आ, जो है आ, आ, अपॉइंट नहीं करता है अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर तो किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का uh, कोई भी मेंबर जो है गवर्नर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इज नॉट अंडर और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नर की जो पोस्ट है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ये जो है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है ये माना जाता है लेकिन आगे वाली चीज़ें देखेंगे तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर होता है क्योंकि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेजिडेंट करता है और प्रेजिडेंट जब इसकी अपॉइंटमेंट करता है तो जो एडवाइज होती है हमारी कैबिनेट की सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको उसको मानना ही पड़ता है इट मीन्स कि यहाँ पे उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल तो हमेशा रहता ही है तो अपॉइंटमेंट आपने देख ली कि एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं है आ, आ, इसका इलेक्शन जो है प्रेजिडेंट की इलेक्शन की तरह नहीं होता है ये एक सेंट्रल uh, प्रेसिडेंट uh, जो है इनडायरेक्टली तरीके से इसको अपॉइंट कर सकता है ये कोई भी हो सकता है यहाँ पे ये यह बताया गया यूपीसी पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी मेंबर कोई या फिर और कोई भी पर्सन uh, जो अपनी किसी फील्ड में लिटरेचर में आर्ट में साइंस में जो है उसकी एक्सेलेंस है तो उसको भी एक गवर्नर बनाया जा सकता है द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 157 फिफ्टी सेवन एनी पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट uh, के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो आर्टिकल 157 फिफ्टी सेवन में दे रखी है ही पोस्ट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज जो है थर्टी फाइव ईयर एज से ओ, 35 वो थर्टी फाइव एज वो कम्प्लीट कर चुका हो टर्म ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल वन फिफ्टी सिक्स द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर द प्रेजिडेंट ऑफरिंगस तो वो आर्टिकल वन फिफ्टी सिक्स में हाल है गवर्नर जो है अपनी पोस्ट को तब होल्ड करता है जब प्रेजिडेंट उसको ये ऑफर करता है नॉर्मली द गवर्नर टर्म्स ऑफ द ऑफिस इज़ फाइव ईयर तो जनरली जो प्रेजिडेंट uh, गवर्नर की जो पोस्ट है ये जो है किस पर डिपेंड करती है प्रेजिडेंट पर डिपेंड करती है जनरली लेकिन नॉर्मली जो एक गवर्नर का जो टर्म uh, होती है समय काल होता है जो फाइव ईयर का होता है द प्रेजडेंट कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस एट एनी टाइम प्रेजिडेंट किसी भी टाइम पे गवर्नर को हटा सकता है इन दिस केस द प्रेजेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइस ऑफ सेंट्रल कैबिनेट तो जब भी वो गवर्नर को हटाएगा प्रेजिडेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे काम करेगा जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे ही प्रेजिडेंट को काम करना है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर डिपेंड ऑन द विल ऑफ़ द प्रेजिडेंट तो ये प्रेजिडेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो गवर्नर कितना टाइम तक वो स्टेट में काम करेगा अब यहाँ पे देखिए मिस ऑफ द द पोस्ट ऑफ गवर्नर तो गवर्नर की जो पोस्ट है ये आपको पता है एक इनडायरेक्ट तरीके से इसका कोई इलेक्शन का डायरेक्ट तरीका तो है नहीं इस पोस्ट का हमेशा गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज करती रहती है जैसे ही जिस पार्टी की सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है वो हर एक स्टेट में जो है अपने गवर्नर वहाँ पे रख देती है जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं उनको हटा देते हैं तो इस पोस्ट का हमेशा जो है जो है मिस यूटिलाइजेशन होता रहा है

Uh, की जो सरकार बनी थी उसने सभी स्टेट के गवर्नर को हटा दिया अ डिबेट हैज़ अराइजन अगेंस्ट अबाउट द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पोस्ट इन दिस वे द रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नर विद द होल सेल प्राइज हैज़ हेपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया तो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था जब एक गवर्नर को इस तरीके से हटा दिया था जैसे ही वहाँ पे एक गवर्नमेंट शिफ्ट हुआ था द आर्ग्यूमेंट हैज़ बिन मेड

पॉलिटिक पॉलिटिकल साइज़ द पोस्ट विच इज नॉट फेयर एंड फ्रंट गवर्नमेंट वॉन्ट टू रिमूव इट ये भी आर्ग्यूमेंट वहाँ पर दिया कि ओल्ड गवर्नमेंट ने जो है साइज़ कर दिया है इन सभी पोस्ट को तो गवर्नर जो है फ्रंट गवर्नमेंट जो है इनको हटाना चाहती है ये सारे डिस्प्यूट जो यहाँ पे होते रहे हैं द गवर्नर आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैच द पर्पज़ ऑफ़ द द अबब आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैच द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए गए ये कॉन्स्टिट्यूशन uh, के पर्पज़ को पूरा नहीं करते आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख का है हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्रंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर जितने भी uh, आर्गूमेंट यहाँ पे दिए द गवर्नर इज़ नॉट द ऑनली एजेंट ऑफ द सेंटर ही हैज़ अ सर्टन पर्सनल पावर विच ही इज़ नॉट ऑब्लीज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्रेजिडेंट चीफ मिनिस्टर वाइल एक्सरसाइजिंग गवर्नर के पास इज़ वो गवर्नर पहली बार जो सेंटर का एजेंट नहीं है उसके पास भी अपनी पर्सनल पावर है और वो जो है पावर रखता है कि वो प्रेजिडेंट के एडवाइस को ओब्लीज ना करें चीफ मिनिस्टर की एडवाइस को ऑब्लीज ना करें चेंजिंग गवर्नर विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द सेंटर इज़ ब्रिंग डाउन द डिग्निटी ऑफ देयर ऑफिस तो जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है uh सेंट्रल लेवल पे उस तरीके से गवर्नर को चेंज कर दिया जाता है ये जो उसका ऑफिस है ना ये जो उसका पद है उसको जो है यहाँ पे उसकी डिग्निटी को बहुत ही लो कर देता है इन सच अ सिचुएशन द गवर्नर ओनली ट्राइज़ टू फुलफ़िल द पॉलिटिकल विल ऑफ़ द सेंटर तो इस सिचुएशन में हमेशा ही जो गवर्नर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल विल होती है उस स्टेट में उसको पूरा करने में लगा रहता है तो देखिए बड़े सारे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं वी मिस्टर वीपी सिंह जो थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था उन्होंने जितने भी थे सारे मेंबर वहाँ पे हटा दिए थे इसके बाद जो है देखिए प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम इंडिया में आते रहे हैं उन्होंने जो है गवर्नर को वहाँ पे हटाया है यही चीज़ें यहाँ पर कि आप इनको एक बार स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्योंकि ये डिस्प्यूट हमेशा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमेशा अपने पोलिटिकल विल के लिए गवर्नर को जो है रिमूव कर देती है जब भी कोई नई सरकार जो है सत्ता में आती है नई रूलिंग पार्टी जब पावर शिफ्ट होता है तो उसके साथ गवर्नर की जो है पोस्ट भी वो चेंज हो जाती है इसके रिगार्डिंग एक सकारारिया कमेटी बनी थी सकारारिया कमेटी में कुछ जो है एडवाइस यहाँ पे दिया गया था कि किस तरीके से गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए और किस तरीके से उसको वहाँ पर काम करना चाहिए आफ्टर ऑल द अबब डिस्प्यूट्स अ कमेटी ऑफ द गवर्नर वॉज फॉम्ड बाय द प्रेजिडेंट एक गवर्नर की कमेटी बनाई गई थी प्रेजिडेंट के थ्रा हु वॉज आस्ट टू गाइड द गवर्नर उसको जो है उसमें ये बताया गया कैसे गवर्नर को गाइड करना है अकॉर्डिंग टू द सरकारी कमेटी द फॉलोइंग सजेशन हैव बीन मेड फॉर द गवर्नर्स तो इस सरकारी कमेटी के थ्रू जो है ये सजेशन दी गई थी गवर्नमेंट को कि गवर्नर जो है किस तरीके से काम करेगा या फिर किस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो यहां पे बताया गया है और दो जो है सरकारी कमेटी की जो सजेशन थे जो है इम्प्लीमेंट ज्यादातर नहीं हुई थी लेकिन जो सरकारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको सजेशन जो यहाँ पे थे उनको हम पढ़ेंगे ही हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द ए एरिया ऑफ लाइफ उसका जो एरिया है उसका स्पेशल प्लेस उसमें होना चाहिए द पर्सन इज आउटसाइड द स्टेट ये जो गवर्नर बनेगा ये आउटसाइड द स्टेट हो जनरली इट एक्जिस्ट सेपरेटली एंड इज नॉटिक इन एग्जिक्टिवली लिंक टू द रीजनल पॉलिटिक्स वो रीजनल पॉलिटिक्स politic, के साथ किसी भी तरीके से जो है आ, जो है इन्वॉल्व ना हो

द गवर्नर कैन ओवर थ्रू द कैबिनेट हुज चीफ मिनिस्टर इज कॉलिंग फॉर एन अर्ली मीटिंग ऑफ द हाउस टू प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द कैबिनेट तो गवर्नर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो कैबिनेट को वहाँ पे स्थगित कर सके अगर उसको अपने आप को उसकी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए उसको बोला गया कि वो गवर्नर के पास आए वेदर द कैबिनेट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द हाउस इट इज बेस्ड ऑन द वोटिंग ऑफ द हाउस इफ द चीफ मिनिस्टर रिफ्यूजेज टू प्रूव द मेजारिटी द कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द वोट ऑफ द हाउस इट विल भी सेल्फ एविडेंट प्रूफ दैट ही हैज़ लॉस अ कॉन्फिडेंस हाउस तो ज़्यादातर कोशिश क्या होनी चाहिए कि कैबिनेट में जो मेजॉरिटी है उसी को जो है अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला अगर चीफ मिनिस्टर जो है अपनी मेजोरिटी उस असेंबली में प्रूव नहीं कर पाता है तो ये एक सेल्फ़ एविडेंट होना चाहिए कि वो हाउस में उस असेंबली में मींस अपना वो कॉन्फ्रेंस जो है लो कर चुका है और सरकार को कैबिनेट को वहाँ पे स्थगित करना चाहिए इफ़ द क्रिएशन ऑफ एन एट अल्टरनेट कैबिनेट इज़ नॉट पॉसिबल द गवर्नर कैन रिकमेंड टू रिप्लेस इट एंड इम्प्लीमेंट प्रेजिडेंट रूल तो अगर वहाँ पर अल्टरनेट कैबिनेट नहीं बन पा रही है तो गवर्नर के पास पावर होनी चाहिए कि वो रिकमेंड करे कि वहाँ पर प्रेजिडेंट रूल जो है आ सके द इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी तो कई बार आपने देखा होगा कि मिली uh, जुली सरकार जो है स्टेट में बनती हैं वहाँ पे uh, जो किसी भी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं वो टर्म बाय टर्म जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अगर वहाँ पे टर्म बाय टाइम चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैबिनेट और एक होता है उस पार्टी का जो लार्जेस्ट uh, पार्टी का जो uh, सबसे इन्फ्लुएंशियल uh, पर्सन होता है अगर वो चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं द लीडरशिप ऑफ द फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ़ हिज कॉन्स्टिट्यूंट तो पहली जो uh, आपके पास लीडरशिप है जिसको हम चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसकी जो लीड लीडरशिप होती है एग्रीमेंट पे होती है तो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतने इतना तरह टाइम पे जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे वन द सेकेंड ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पार्टी जो दूसरा जो होता है जिसको हम चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं वो अनडिस्प्यूटेड लीडर होता है तो दोनों की पावर्स में यहाँ पर फर्क है और गवर्नर को उसी तरीके से उनकी उनको जो है हैंडल करना चाहिए देर फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैबिनेट कैन नॉट क्लेम द राइट टू एडवाइज द गवर्नर तो कैबिनेट कॉन्ट्रैक्ट कैबिनेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास ये राइट right नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नर को एडवाइज करे लेकिन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी है उसको ये राइट right होना चाहिए वो कभी भी जो है वहाँ पे आ, जो है वहाँ पे कैबिनेट को जो है सॉरी गवर्नर को जो है वहाँ पे एडवाइज़ जो है कर सकता है आर्टिकल वन सिक्सटी फोर क्लास वन इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर हैज राइट टू एक्सरसाइजन तो जब भी जो है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करनी हो तो गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शनरी पावर होनी चाहिए डिस्क्रिप्शनरी पावर मीन्स कि वो अपने तरीके से वहाँ पे काम जो है कर सकता है इन द केस ऑफ पार्टी चेंज द कमेटी वाज ऑफ द व्यू दैट एनी सच लॉ विच वुड स्टॉप द आर्टिकल नाइनटीन क्लास वन सी वुड बी अगेंस्ट वन जीरो टू एंड नाइनटी वन एंड वु अवॉलेट द राइट ऑफ तो जब भी वहाँ पे पार्टी शिफ्ट हो पार्टी चेंज हो तो लॉ विच वुड स्टॉप इट इज़ आर्टिकल नाइनटीन क्लास वन क्लास सी जो है आपने पढ़ा हुआ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और वो राइट को वायलेशन वहाँ पे ना करे जो यहाँ पे दे रखे हैं तो ये आपके पास गवर्नर है गवर्नर की आपने आ, क्वालिफिकेशन देखी उसकी अपॉइंटमेंट देखी और उसकी कितनी टर्म्स होती हैं वो आपने देखा और किस तरीके से गवर्नर की पोस्ट का इंडिया में मिस यूटिलाइजेशन होता रहा है चाहे वो बी सिंह की गवर्नमेंट हो या फिर फ्रंट गवर्नमेंट हो या फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट हो या फिर आफ्टर दैट बीजेपी गवर्नमेंट सभी ने जो है इस गवर्नर की पोस्ट का मिस यूटिलाइजेशन किया है इसीलिए जो है सार्य कमेटी वहाँ पर बनाई गई और कार्य कमेटी की सुजेशन वहाँ पर आई जो आपने यहाँ पर पढ़ी अब आपके पास नेक्स्ट uh, पार्ट आता है इस क्वेश्चन का कि जो गवर्नर है उसकी आप पावर्स बताइए उसकी पावर्स uh, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है उसको आपने यहाँ पे बताना है और किस तरीके से ये रिलेट करती हैं प्रेसिडेंट की पावर के साथ तो देखिए गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है फाइनेंशियल पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जुडिशियल पावर हैं जैसे एक प्रेसिडेंट के पास क्योंकि वो एग्ज़ीक्यूटिव का हेड होता है स्टेट का हेड होता है उसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती हैं वो सारी जो है प्रेजिडेंट के थ्रू की जाती हैं स्टेट लेवल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है उसको जो है गवर्नर करता है इस तरीके से अपनी अपनी पावर यहाँ पर बताई गई है एग्जीक्यूटिव पावर देख लीजिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर जितनी भी एग्ज कार्यकारी पावर जितनी भी होती हैं स्टेट को चलाने के लिए जितनी भी जरूरी पावर्स हैं वो सारी गवर्नर के पास है विच ही यूजिस बाय हिमसेल्फ और बाय सब ऑर्डिनेट ऑफिस जिनका वो यूज या तो खुद करता है या अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू कराता है जिसमें सारी कैबिनेट और मिनिस्टर्स आ, आ जाते हैं ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट आर डन इन द नेम ऑफ द गवर्नर तो जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं स्टेट में सारे गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं ऑल द ऑर्डर्स एंड नेम्स ऑफ द रिटर्न गवर्नर विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड तो जितने भी ऑर्डर होते हैं uh, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे गवर्नर के थ्रू होते हैं और उनकी ऑथेंटिकेशन उस पर होती है विच विल बी डन अकॉर्डिंग टू द रूल मेड बाय इट द ऑब्जेक्शन शैल नॉट बी रेज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डर और अथॉरिटी दैट इज ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर दैट दे हैव बिन क्रिएटेड और एग्जीक्यूटिड बाय द गवर्नर तो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन जो है उन ऑर्डर की वैलिडिटी पे नहीं उठाया जा सकता अगर वो ऑथेंटिकेटेड हैं गवर्नर के थ्रू तो तो ये सारी पावर है तो एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी हैं वो सारी गवर्नर को ही बिलोंग करती हैं सेम लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं उनको जो है कौन कर यूज़ करता है किसके थ्रू यूज़ की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू यूज़ की जाती है इसके अलावा लेजिस्टिव पावर भी है आपके पास नो लेजिस्टिव बिल कैन बी इंटर्ड इनटू द लेजिस्टिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर तो कोई भी बिल जो कि उस स्टेट की असेंबली में तब तक जो है प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है इंटर नहीं किया जा सकता है जब तक कि गवर्नर uh, की रिकमेंडेशन वहाँ पे ना हो द डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी सर्वड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर तो वहाँ पे कोई भी मांग अगर किसी बिल के रिगार्डिंग रखी जाती है तो पहले गवर्नर की रिकमेंडेशन जो है ज़रूरी है कोई भी लॉ कोई भी एक्ट कोई भी लॉ कोई भी बिल जो है Uh, उस पर्टिकुलर असेंबली में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि गवर्नर की वहाँ पे रिकमेंडेशन ना हो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजली कॉल्ड द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जो उस स्टेट का जो बजट होता है वो भी वहाँ का गवर्नर जो है प्रेजेंट करता है इज़ प्रेजेंटेड बाय द गवर्नर बिफोर द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ हाउसेज तो अगर कि किसी स्टेट में जो है टू हाउसेज हैं जहाँ पे uh, uh, और कई स्टेट में जो है सिंगल हाउस ही, ही होता है तो वहाँ पे जो भी बजट होता है उसको प्रेजेंट कौन करता है गवर्नर ही वहाँ पे करता है उसके ही साइन उस बजट पे होते हैं फिर प्रेजेंट वो किसी से भी करवा सकता है जैसे चीफ मिनिस्टर जो है जनरली करते हैं लेजिसलेटिव पावर या फिर वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो करेगा लेजिस्टिव पावर द गवर्नर कॉल फॉर अ सेशन ऑफ द हाउस ऑफ बोथ ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर द पीरियड फॉर अ फिक्स टाइम एंड प्लेस बट नो मोर दैन सिक्स मंथ शुड लैप्स बिटवीन बोथ सेशन तो गवर्नर चाहे तो दोनों हाउस अगर दो हाउस हैं किसी स्टेट के अंडर आ, आपको पता है कई स्टेट ऐसी हैं इंडिया में जैसे बिहार है महाराष्ट्र है कर्नाटक है उड़ीसा है यहाँ पे आ, टू असेंबलीस आपको स्टेट में भी मिलती है जैसे सेंटर में लोकसभा पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है लेकिन बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टेट जो इंडिया में वहाँ पे सिंगल असेंबली ही होती है तो अगर किसी स्टेट में जो है टू हाउसेज हैं तो वो उनका एक कंबाइंड सेशन भी वहाँ पे बुला सकता है लेकिन दो uh, लेकिन सेशन का जो टाइम है पिछला सेशन जो हुआ था और जो होने वाला उसमें सिक्स मंथ का गैप जो है बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ही कैन प्रोग्यू बोथ हाउसेस एंड डिज़ोल्व द असेंबली वो दोनों हाउसेस को वहाँ पे एड्रेस कर सकता है उनको डिसॉल्व भी कर सकता है ही एड्रेस द स्टेट लेजिस्टर वो स्टेट लेजिस्टर को एड्रेस भी करता है टाइम टाइम पे वो एड्रेस करता है हमको द बिल कैन नॉट भी बिकम लॉ विदउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता गवर्नर की परमिशन के बिना ही मे विद होल्ड सर्टन बिल फॉर द प्रेजिडेंट परमिशन किसी भी बिल को वो प्रेजिडेंट की परमिशन के लिए विद होल्ड भी कर सकता है रोक भी सकता है ही ऑल्सो नोमिनेट वन सिक्स मेम्बर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लेजिलेटिव का एक तो लेजिलेटिव असेंबली होती है जिसको आप जो है आ, लोकसभा के साथ कंपेयर कर सकते हैं दूसरी लेजिस्टिव काउंसिल होती है जिसको आप राज्यसभा से जो है, जो है जो है देख सकते हैं उसकी तरह उसको देख सकते हैं तो स्टेट लेवल पे ये काम करते हो अगर लजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे है तो उसके वन सिक्स मेम्बर को जो है जो गवर्नर जो अपॉइंट करता है जिनको किसी भी फील्ड में लिटरेचर में साइंस में आर्ट्स में कोपरेटिव uh, मूवमेंट में सोशल सर्विस में जो है uh, उनका एक्सपीरियंस हो उन्होंने अपना योगदान दिया तो जैसे स्टेट में लोकसभा में दो एंग्ल इंडियंस होते हैं uh, राज्यसभा Uh, बारह ऐसे नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसी तरह के स्टेट में अगर लजिस्लेटि ले काउंसिल है तो वहाँ पे भी वन सिक्स मेंबर जो है उनको अपॉइंट करने का राइट जो है गवर्नर रखता है नॉमिनेट नॉमिनेट उनको वहाँ पे कर सकता है इसके अलावा पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल लेवल पे होती है कि वो 123 आर्टिकल का यूज़ करके जब दोनों हाउस पार्लियामेंट में सेशन में नहीं है और हमें एक लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ हमें डायर नीड है तो उस कंडीशन में वन के अंडर ऑर्डिनेंस जो है बना ऑर्डिनेंस की को भी एक लॉ की तरह ही माना जाता है लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्टेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस अंदर द आर्टिकल 133, the power जो uh, that the president has in the parliamentary constituency under the article 213, the governor has the same power in the subject of the legislature. तो so, president के पास ये ये power uh, power जो है आर्टिकल 133 के under है parliament के under उसी तरीके से governor को ये power जो है आर्टिकल 213 के under दी गई है कि वो कोई किसी भी मैटर पे जो है वहाँ पे ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है वन एवर द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑर्डिनेंस तभी आप इश्यू कर सकती हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर तभी ला सकते हैं जब सेशन जो है पार्लियामेंट का सेशन या उस स्टेट असेंबली जो है वो सेशन में नहीं है गवर्नर इज रोल दैट देर इज दर्कम विच नेसेसरी इमीडिएट एक्शन और गवर्नर को ये लगता है या फिर प्रेजिडेंट को सेंट्रल लेवल पर लगता है कि बहुत जरूरी है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में एक्शन लेना द गवर्नर में इशू सच ऑर्डिनेंस एज ही एज ही डीम फिटनेस जैसे गवर्नर को लगता है उसके उस अध्यादेश को ला सकता है बट द फॉलोइंग केसेज द गवर्नर कैन नॉट इशू द ऑर्डर विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसिस में गवर्नर जो है प्रेजिडेंट की डायरेक्शन के बिना कोई भी ऑर्डर नहीं लगा सकता ऑर्डिनेंस ऑन विच द परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ रिक्वायर्ड ऐसे ऑर्डिनेंस जिसमें उसको जो है जरूरी है प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट परमिशन जो चाहिए तो उस कंडीशन में उसको बिना परमिशन के प्रेसिडेंट की परमीशन के बिना वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता है सेकेंड यहाँ पे ऑन विच द प्रेसिडेंट एडवाइज इज रिक्वायर्ड या फिर ऐसे ऑर्डर जहाँ पे प्रेसिडेंट की एडवाइज रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में भी वो कोई ऐसे मैटर में भी वो जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता है ईच ऑर्डिनेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द स्टेट फॉर द अप्रूवल आफ्टर द हाउस आर कॉल्ड तो जो भी अध्यादेश जो है अगर गवर्नर वहाँ पे लाता है तो उसको भी उस स्टेट लेजिस्लेचर में जो है अप्रूव करना जरूरी हो जाता है अदरवाइज इट विल बी नलीफाइड इवन बिफोर द सिक्स वीक अदरवाइज वो डेढ़ महीने के अंदर जो है वो नलीफाइड हो जाता है वैसे ही जैसे आपने सेंट्रल लेवल पे देखा है कि वहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर जो भी ऑर्डिनेंस आपने पास किया है अगर उसको आप बिल लॉ बनाना चाहते हैं तो वह आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको पास करवाना पड़ेगा वैसे ही अगर स्टेट में कोई ऑर्डिनेंस लाया गया है गवर्नर के थ्रू तो उसको भी फिर दोनों अगर उस स्टेट में दो हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस से या फिर सिंगल हाउस है तो सिंगल हाउस से उसको जो है अप्रूव कराना जरूरी हो जाता है अदरवाइज वो सिक्स वीक में जो है नलीफाई हो जाता है इफ बिफोर दिस इफ बोथ द हाउसेस रिजेक्ट इट देन इट विल बी न्यूट्रलाइज इवन बिफोर द सिक्स वीक अगर दोनों हाउसेज uh, उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो छः महीने छः हफ्तों के अंदर ही वो नलीफाइड हो जाता है द गवर्नर कैन विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस इवन सिक्स वीक इन एडवांस इफ ही सो डिजायर अगर गवर्नर को लगता है कि ऑर्डिनेंस को अब विदड्रॉ कर देना चाहिए उस ऑर्डर को uh, जो अध्यादेश जारी उसको विदड्रॉ कर देना है तो वो ऐसा भी कर सकता है अर्ली ही उसको ऐसा कर सकता है द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर विल हैव द सेम फोर्स एंड द इफेक्ट एज द लॉ पास बाय द स्टेट लेजि तो गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसकी सेम पावर होती है जैसे कि स्टेट लेजिस्टर कोई लॉ पास करता है तो एक जो ऑर्डिनेंस होता है वो भी एक लॉ की तरह ही काम करता है हाँ लेकिन लॉ फॉर होता है उसकी वैलिडिटी फॉर होती है लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए लाया जाता है और अगर आप ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना चाहते हो तो फिर आपको उसको सदन में पास कराना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर में पास कराना पड़ता है अब आपके पास आती है लास्ट पावर जिसको जुडिशियल पावर यहाँ पे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 161 सिक्सटी वन द गवर्नर हैज़ अ पावर टू ग्रांट पार्डन सस्पेंशन पॉज एंड रिमिशन ऑफ द ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस तो आर्टिकल 161 के अंडर गवर्नर के पास किसी की सजा को माफ करने का उसकी सजा को सस्पेंड करने का या फिर उसकी सजा को कम करने का राइट है और टो तो सस्पेंड अपडेट और कम्यूट उसकी सजा को कम भी वो कर सकता है द पावर ऑफ पार्ट ऑफ द प्रेजिडेंट और गवर्नर हैज़ बीन कन्फर्म विद द पर्पज ऑफ करेक्टिंग द पोटेंशियल जुडिशल मिस्टेक ये पावर जो है गवर्नर प्रेसिडेंट को सेंट्रल लेवल पे ये पावर है और स्टेट में गवर्नर को ये पावर है ये इसलिए दिया जाता है ताकि कोई अगर जुडिशियल मिस्टेक वहाँ पे हो गया है तो उसको करेक्ट वहाँ पे किया जा सके इन द कोर्ट द वर्क ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग तो जस्टिस जो होता है जो कोर्ट में किया जाता है वो ह्यूमन बियंग की तरह किया जाता है और वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है पॉसिबल है कि मिस्टेक वहाँ पर हो जाए द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट एनी लॉ पास्ड बाय द लेस ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसको जिसके अंडर स्टेट द्वारा किसी बनाए किसी लॉ के अंडर उसने जो ऑफेंस वहाँ पे किया हो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन्जॉय द पावर ऑफ पार्डन अंडर आर्टिकल सेवेंटी टू तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल सेवेंटी टू के अंडर ये पार्टन क्षमा करने की पावर का यूज़ कर सकता है और गवर्नर जो है आर्टिकल वन सिक्सटी वन के अंडर इस पावर का यूज़ वहाँ पर कर सकता है लेकिन प्रेजिडेंट की पावर में और जो गवर्नर की पावर में यहाँ पर फर्क है तो देखिए द प्रेजिडेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर इन ऑल मैटर इन विच the डेथ सेंटेंस इज गिवन तो प्रेजिडेंट को जो है अगर फांसी की सजा किसी पर्सन को हुई है तो उससे रिलेटेड प्रेजिडेंट को एक्सक्लूसिव पावर है गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की परमिशन नहीं है उसके पास ये पावर नहीं है दूसरा द प्रेजिडेंट हैज़ अ पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ जजमेंट ऑफ ऑफेंसिस awarded by द आर्मी court. आर्मी कोर्ट के अंडर अगर किसी को वहाँ पे सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट के पास उस प्रेजिडेंट के पास उसको भी माफ़ करने की पावर है लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखना है तो ये आपके पास गवर्नर उसके अपॉइंटमेंट उसकी क्वालिफिकेशन उसकी टर्म और उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है जहाँ पे सकारिया कमेटी और साथ में आपने गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती है इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा थैंक यू सो मच